हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव गोल एजुकेशन। देखिए, 27 और 28 जनवरी को उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट कराया गया, तो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं 28 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। इस डिस्कशन के बाद आपको कहीं कुछ भी आंसर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपको किसी भी आंसर में डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो विभाग की चयन प्रक्रिया है उसमें से इन दिए हुए चरणों में से कौन सा चरण शामिल नहीं है। तो देखिए, शारीरिक परीक्षण भी आपका होगा, शैक्षिक योग्यता भी आपको चाहिए थी और आयु की भी पात्रता है, पर भाषा के परीक्षण जैसी कोई प्रावधान नहीं रखा गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर एक यज्ञ किया जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी। देखिए, 10 घोड़ों की बलि देने की वजह से ही इस घाट को दशाश्वमेध घाट बोला जाता है। ये है वाराणसी में और ये थे भगवान ब्रह्मा जी, इन्होंने शिव जी के लिए असल में ये बलि दी थी। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो अशोक चक्र होता है शांति के समय में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, और परमवीर चक्र होता है युद्ध के समय में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। तो बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार इनमें से माना जाता है परमवीर चक्र को। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, ये इस बुक को किसने लिखा है, तो ये लिखा था इस्माइल मर्चेंट ने। ये इरमाइल नहीं है, इस्माइल मर्चेंट जी ने लिखा था इस बुक को। ये बॉलीवुड के असल में एक डायरेक्टर थी। विश्व पर्यावरण दिवस पूछा गया, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, और इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। जेट इंजन के आविष्कारक कौन है, तो ये थे सर फ्रैंक भेटल। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क है जो कि पब्लिकली लिस्टेड नहीं है। देखिए, पब्लिकली लिस्टेड का मतलब सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है। सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने का मतलब होता है कि आप इसके शेयर खरीद सकते हैं कंपनी के, तो आप ट्विटर के भी शेयर खरीद सकते हैं। अब शेयर किसके खरीदते हैं हम, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया। तो ट्विटर भी लिस्टेड है, फेसबुक भी लिस्टेड है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये बीयूबो ऑप्शन दिया है, ये चाइनीज कंपनी है, ये भी लिस्टेड है। कोरा जो है ये अभी तक प्राइवेट कंपनी है, ये लिस्टेड नहीं है, इसके शेयर आप नहीं खरीद सकते। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं, तो वन यानी कि जंगल सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। फिनलैंड जो कि कहा जाता है कि ये है झीलों का देश, इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है यूरो और राजधानी है हेलसिंकी। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा तय करती है, तो भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा तय करती है रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा भारत चाइना के बीच में, और डुरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, ये है राजधानी नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया की, और सियोल राजधानी है साउथ कोरिया की। अगला क्वेश्चन, कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है। इन्होंने पहला ऑप्शन दे दिया न्यूयॉर्क, कई लोगों ने गलत कर दिया होगा, असल में न्यूयॉर्क जो है ये राज्य है। न्यूयॉर्क में एक शहर है न्यूयॉर्क सिटी, तो हम जिस शहर की बात करते हैं उसे हम यूजुअली न्यूयॉर्क बोल देते हैं, पर जिसे न्यूयॉर्क हम बोल देते हैं वो एक्चुअली में न्यूयॉर्क सिटी है। न्यूयॉर्क तो वहां का पूरा राज्य है, मिनेसोटा भी राज्य है, लुइजियाना भी राज्य है, अटलांटा राज्य नहीं है, अटलांटा जॉर्जिया राज्य की राजधानी है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं, तो ये बोलते हैं महल। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम, जो तीसरे छत्रपति बने थे, ये बने थे राजाराम। अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चंस तो सिंपल थे, आप लोगों ने किए होंगे अच्छे से तो काफ़ी सॉल्व हो गए होंगे। उड़ीसा का प्राचीन लोक नृत्य पूछा गया, तो ये घूमरा है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रपति की सैलरी कितनी तय की गई प्रतिमाएँ, तो राष्ट्रपति जी को मिलते हैं प्रतिमाएँ 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये से हालांकि इनका काम नहीं चलता है, बाकी सारी सुख सुविधाएं फैसिलिटी पूरे सरकारी खर्च पर दी जाती हैं। भारत जो है नारियल के प्रोडक्शन में तीसरे स्थान पर है, तो इसमें यह पूछा गया कि इंडोनेशिया और वो कौन सा देश है जो हमसे ऊपर है, तो इंडोनेशिया के स्थान है पहला विश्व में, दूसरा स्थान है फिलिपीन का, तीसरा भारत का हो गया, तो हमारा फिलिपीन राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, साइन किए गए 24 जनवरी 1950 को, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को साइन हुए थे, तो इसमें महिलाएं पूछी गई कितनी थी, तो इसमें टोटल 15 महिलाएं थी।
काकोरी रेलकांड जो हुआ, तो उसमें श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी महान क्रांतिकारी के अलावा एक और क्रांतिकारी थे, ये थे अशफाकउल्लाह खान साहब। अगला क्वेश्चन, बगरू जो है, बगरू एक जगह का नाम है, ये किस राज्य में है, ये पूछा गया है। यहाँ पर हाथ की छपाई का प्रसिद्ध केंद्र है, तो बगरू है जयपुर में, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है बगरू, और जयपुर आपको पता होगा ये है राजस्थान की राजधानी, तो हमारा आंसर हो गया राजस्थान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, रिजर्व बैंक ने जो 2018 में नवंबर में के महीने में नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, ये कितना परसेंट था, तो 4% ही रह रहा है, काफी टाइम से चेंज नहीं किया जा रहा। हवा महल बनाया गया 1799 में, तो किसने बनवाया, हवा महल है जयपुर में और ये सवाई प्रताप सिंह राजा द्वारा बनवाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरस, ये किस देश के प्रधानमंत्री थे, ये पुर्तगाल से थे। अगला क्वेश्चन, उद्घाटन जब हुआ लखनऊ में एक यार वो बना स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, तो उसमें मैच कराया गया पहला इंटरनेशनल, ये हुआ था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में, यही पूछा गया है और भारत ने जीता था। ये आप लोगों ने मैच जरूर देखा होगा, क्रिकेट के प्रेमी तो हिंदुस्तान में गलियों गलियों में मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 का जो एशियाई खेल होने हैं ये कहाँ पर होने हैं, अभी एशियाई खेल हुए थे इंडोनेशिया के पेलम्बंग में, और अगले जो होने हैं वो कहाँ पर होने हैं, जकार्ता और पेलम्बंग में कमांडली हुए थे इस बार, और अगले होंगे चाइना में। अगला क्वेश्चन, भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं अभी कौन है, भारत के चीफ ये हैं जनरल बिपिन रावत, तो 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला और ये संभाला जनरल बिपिन रावत ने, तो हमारा जनरल बिपिन रावत राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2018 में 33वां आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ, आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये हुआ था सिंगापुर में, हमारे मोदी साहब भी सिंगापुर में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, इंसुलिन मानव शरीर में पैदा करता है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, तो अग्नाशय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है जो कक्षीय तापमान पर कैसा रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो ये कौन सा, पारा तो हो नहीं सकता, पारा भी लिक्विड रहता है पर ये धातु है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन गैस नहीं है असल में, क्लोरीन भी गैस है, हीलियम भी गैस है, पर इसमें आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा गड़बड़ हो रहा, यहाँ बी ऑप्शन में ब्रोमीन लिखा हुआ है, ब्रोमीन ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से तत्व की परमाणु की त्रिज्या सबसे छोटी होती है, तो इनमें से क्लोरीन की सबसे छोटी हो जाएगी, ये फॉर्मूला दिया हुआ है CH3COCH2CH3, ये फॉर्मूला है इथाइल एथेनोएट का, इसको ऐसे भी लिख सकते थे C4H, कितने H हैं इसमें, 3, 2, 5 और 3, 8, C4H8O2, ऐसे भी इसका फॉर्मूला कई बार लिखा रहता है, इथाइल एथेनोएट हो जाएगा ये। द्रवों का घनत्व किससे नापते हैं, देखिए वैसे तो द्रव का घनत्व हम नापते हैं हाइड्रोमीटर से, पर यूडियोमीटर से भी घनत्व नाप सकते हैं, यही पूछा गया है कि कौन से उपकरण का यूज किया जा सकता है, तो यूडियोमीटर का यूज हम कर सकते हैं। वैसे जो यूडियोमीटर होता है ये जो गैसेज होती हैं उनके वॉल्यूम में चेंज को पता लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो है विद्या विहार, ये किस शहर में है, तो ये है लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय, इसमें अगर ये लखनऊ ऑप्शन दे देते तो कई बच्चे गलत कर देते, क्योंकि ये लखनऊ में नहीं है, ये है प्रयागराज जिसे इलाहाबाद बोला जाता था पहले। उत्तराखंड कब बना था, 1 नवंबर 2000 को, तो 2000 सन हमारा आंसर हो जाएगा। बरसाना की होली, बरसाना में जो होली खेली जाती है वो लठ मार होली होती है, यानी कि डंडे से खेलते हैं, तो डंडे से खेलना इसका सही आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल मेला जो है ये फर्रुखाबाद में आयोजित कराया जाता है, ये किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है जैन समुदाय से। अगला क्वेश्चन 38, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, 38 क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज के, तो मैं जनरल नॉलेज के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। भारत में कथक नृत्य के जो शास्त्रज्ञ हैं वो इनमें से कौन से हैं, तो इसमें आंसर जो दिए हुए थे उनमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज, जिन्हें हम, इन्हें ब्रजमोहन मिश्रा नाम है इनका, ये इलाहाबाद के घराने के हैं और काफ़ी फेमस हैं इसमें। तो ये इस लेक्चर का एंड है,
अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दौड़ना चालू कर दीजिए। आप दौड़ेंगे तभी मेडिकल निकाल पाएंगे। जय हिंद।